सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेकर आ चुके हैं हर्ष राजपूत का मिक्स रिएक्शन। तो हर्ष राजपूत पहुंच चुके हैं वैलेंटाइन डे मनाने पार्क में, तो वीडियो तो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तो आप पूरा देखें वीडियो को, और मिक्स रिएक्शन हमको कैसा लगा आपको हमको कमेंट करके ज़रूर बता दे। तो मिक्स रिएक्शन जो है कि हम बनाते हैं और हमारे चैनल पर रिएक्शन वीडियो भी आते रहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेकर आ चुके हैं हर्ष राजपूत का मिक्स रिएक्शन। तो हर्ष राजपूत पहुंच चुके हैं वैलेंटाइन डे मनाने पार्क में, तो वीडियो तो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तो आप पूरा देखें वीडियो को, और मिक्स रिएक्शन हमको कैसा लगा आपको हमको कमेंट करके ज़रूर बता दे। तो मिक्स रिएक्शन जो है कि हम बनाते हैं और हमारे चैनल पर रिएक्शन वीडियो भी आते रहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है धाकड़ न्यूज के इस ताजा तरीन एपिसोड में। आप देख रहे हैं धाकड़ न्यूज, विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेटवर्क, केवल धर्मेंद्र धाकड़ के साथ। फिर से वैलेंटाइन का त्यौहार वाला महीना यहाँ पे चालू है और लोग अजीब अजीब हरकतें यहाँ पे कर रहा है। तो जिस तरह से पिछले साल हमने आपको यहाँ पे लाइव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, तो इस साल भी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे और आपको दिखाएंगे। एक चीज़ हमें नजर आई है, तो उसको देख के एक शायरी हमें याद आया है कि जो बातें जुबान कह गई वो आंखें कह गई, जो बातें जुबान कह गई वो आंखें कह गई, तू झाड़ियों में चली गई, तेरी यहाँ याद रह गई। देखिए इस चीज को, यहाँ पे बैग उग लटका के उधर गया होगा पेड़ उड़ के पीछे, जो कि जो भी बेरोजगार आशिक है यहाँ पे ओयो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो झाड़ी और पार्क वार्क का यहाँ पे सहारा लेते हैं, जो भी गड़बड़ उनका करना होता है उसके लिए। तो यहाँ पे रिपोर्ट हम लोग दिखाएंगे, अभी झाड़ियों में चले काजी, लेकिन देखिए उधर थोड़ा सा बहसबाजी टाइप हो रहा है, तो क्या है आप लोग आइए देखते हैं। थोड़ा सा ये लोग बहस कर रहा है जी, क्या हुआ है यहाँ पे देखिए, नहीं नहीं कोई वैल्यू नहीं, क्या क्या हुआ, क्या कैसे नहीं होता। अरे बात क्या है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा, पिछले 3 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, साथ में हैं। पिछले 1 हफ्ते से ये फोन नहीं उठा रही है मेरा, और आज मैं यहाँ के देख रहा हूँ तो इनके साथ घूम रही है। वेरी सैड, दिस इज वेरी सैड। मतलब फोन नहीं उठा रही है, फोन नहीं उठा रही है, इनके साथ घूम रही है। काहे जी, काहे दिल तोड़ते हैं इसे। मैं इसके साथ थी पहले, लेकिन अब हम इसके साथ नहीं है, अब हम इनके साथ है, ये है मेरा भी है। हाँ जी, तुम बॉयफ्रेंड हो इसके? हाँ जी साथ, ये हम दोनों साथ में है। और ये लुच्चा कब से परेशान कर रहा है, झूठ बोल रहे हो भैया, ये कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। ये बॉयफ्रेंड हम है इनके। चुप रहो तुम। क्या क्या हुआ मैडम? हम इनके साथ है अब। अच्छा। पहले थे हम इनके साथ, लेकिन फिर ब्रेकअप हो गया हमारा। अच्छा, अब हम इनके साथ। ब्रेकअप हुआ जी? कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है अभी। अच्छा। पिछले हफ्ते मैंने इनको डेयरी मिल्क ला के दिए, पूछिए इनसे। डेयरी मिल्क दिया? और क्या, हमने तो रोशन फरारो दिया था। कोची? अरे फरारो रोशर चॉकलेट होता है ना, पोर्न स्टार चॉकलेट है। हाँ सर, चॉकलेट होता है, पोर्न स्टार जैसा नाम है। इसे महंगा का डेयरी मिल्क से? अरे बहुत महंगा सर, बिलायती चॉकलेट है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैडम ये बात बताइए आपको किसके साथ रहना है? हमको तीन ही के साथ रहना, तभी तो हम इनके साथ है, ये आके झूठ मूठ कर। कैसे इनके साथ रही ना पिछले 3 साल से? बड़ा ही देखिए यहाँ पे, बड़ा ही सेंसिटिव मामला जो है, बड़ा ही संवेदनशील मामला इन लोगों के साथ। यहाँ पे बात बताओ कि ओरिजिनल कौन है तुम लोग? हम है भैया जी, हम है ओरिजिनल, हम है ओरिजिनल, डुप्लीकेट 1 वीक वाले, 1 हफ्ते वाले। तुम प्यार करता है ना, बड़ा ही चुतिया पर चल रहा है प्यार का जी। एक मिनट देखिए, इधर अंकल जी हैं, अब बूढ़े बुजुर्गों की सलाह ही ले जाती है इस मामले में, तो इनसे पूछेंगे, इनकी लड़ाई आप लोग देख रहे हैं काफी टाइम। तो ये पहले तो ये बताइए कि वैलेंटाइन पे क्या विचार है आपका? वैलेंटाइन के बारे में थोड़ा बहुत सुना है मैंने, ज्यादा नहीं मालूम सर इसके बारे में। अच्छा, तो मतलब इस दिन ना लोग ना लड़का लड़की चुमा चाटी वगैरह करता है आपस में, चुमा चाटी, तो आपको क्या लगता है करना चाहिए उन लोग को? छोड़ दो, उनको जो मर्जी, तो आप इधर आइए, इन लोग का जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा देख के और एक राय दीजिए। चुप, यहाँ पे देखिए आप लोग देख रहे थे बहस इन लोग कर रहा था, ये देखिए लड़की है और इनके भूतपूर्व बॉयफ्रेंड है और इनके नए बॉयफ्रेंड है, और एक दोनों आपस में क्लेम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किसके साथ इनको जाना चाहिए? क्लेम देखो, बात सीधी सी है सर, जो ज्यादा प्यार करता हो, मतलब प्यार वार ज्यादा कर, कौन करता है जी ज्यादा? अरे हम करते हैं सर, हम करते हैं, झूठ बोल रहा है यार। 3 साल बड़ा ही संवेदनशील मामला हुआ यहाँ पे, तो ये देखिए कह रहा है कि दोनों प्यार करता हो, खाली प्यार जरूरी है? प्यार भी करता हो, प्यार के साथ साथ वेल सेटल्ड भी हो, मतलब वेल सेटल हो ना। कोची करते हो जी तुम? अरे सर हम ग्रुप डी में है, रेलवे में। अच्छा, सरकारी नौकरी है? तुम क्या करते हो? सर हम तैयारी कर रहे हैं। कोची का? गवर्नमेंट जॉब का। साला यानी बेरोजगार ना हो जी,
तो सरकारी नौकरी सब लंड फैल हुआ है बेरोजगारी सबका है ये सब मतलब अभी देखो साला डेयरी मिल्क दे रहे हो 10 रुपए का अभी बताइए सरकारी नौकरी का कोई वैल्यू है कुछ कुछ नहीं वैल्यू लंड वैल्यू नहीं है कुछ साला बेरोजगार का बताइए एक मिनट कि आप कुछ ही दिए थे जी कौन 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 रोसर चॉकलेट था फरारो रोसर फरारो रोसर ही दे रहा है कितना का आता है महंगा आता है ना जी सर 500 हजार का 500 हजार का 20 रुपए का डेयरी मिल्क दे रहा है तुम कोई वैल्यू नहीं मत तोलिए अरे उसका भाई नहीं है पैसा उसका कलर भर नहीं है ये सब करो चीज पूरी की घुमाने लगे अरे अरे उस सबसे कुछ नहीं होगा देखिए जाके पढ़ाई करो नौकरी लो तब होगा जाके आईएएस बनो ये देखिए बड़ा को कोच वजी ये बैंक लॉरी ये बैंक की चूत ये मेरी है दिस इज माय एंड शी हैज टू कम विद मी एक्चुअली ओ भाई ये तू ने क्या कर दिया शी इज शी हैज टू कम विद मी अबे ये बात कहां से आ गया चलो इन्हें दू गो अपने ही पगला था को तू एक्चुअली तुमको साला चल कमरा धरो चलो इधर छोड़िए लोग गड़बड़ा दीजिए करने दीजिए साला इस तरह का चीज लोग करते रहेगा बेकार है साला और तुमको साला कौन सिला जितना इतना दे रहा जी पगलाल चल रहा है तुम है अभी साला अपने पिटाता हमरो पिटवाता दूगो उन्हें अपने में गड़ मरवा रहा है कि हमको चाहिए तुम बीच में साला घुस गया और इधर साला गजब हाल है छोड़िए सबके अब तो आप लोगों ने देख लिया कि जो यहाँ पे जो मैरिड वैरिड कौची कहता है जी कपल उपल गण बना दो सिंगल लोगों को कोई नहीं पूछता है यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे सिंगल लोग यहाँ पे बैठे हैं वो कुत्ता भी है जी इनसे थोड़ी सी हम बात करेंगे हेलो का जी ठीक है वैलेंटाइन मनाएगा सिंगल ठीक है देखो कितना बढ़िया है सिंगल भैंस जो अब आराम से सो रहा है उन्हें अब जाएगा कुत्ती के पीछे इन लोग से थोड़ा सा बात करते हैं हेलो जी जैसा कि अभी आप देख रहे थे उधर थोड़ा सा बहस वहस सा चल रहा था तो अभी जैसा वैलेंटाइन पे हम लोग रिपोर्टिंग करना है ताकि ग्राउंड लेवल से एकदम गाड़फा रिपोर्ट लेके आएँ तो हमें ये बताइए कि जैसा कि अभी वैलेंटाइन का वीक चल रहा है तो मतलब क्या है इस तरह का त्यौहार यहाँ पर मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए अब देखिए ठीक है जिसको रहेगा वो मनाएगा ही अपनी मर्जी है कोई मनाए ना मनाए बट जिसको मनाना है वो मनाएगा किसी के रोकने से ना चाहने से कोई रुकने वाला तो है मतलब जिसको मनाना है वो मनाएगा ना तो जैसे कि हमारे वीडियो में भी बहुत सारे सिंगल लोग देखते हैं और आप लोग भी यहाँ पे सिंगल हैं तो जैसे जो लोग रोमांस करता है इस महीने में तो क्या लगता है मतलब देख के बुरा नहीं लगता है धक धक दिल पे हम दूसरों को क्यों देखेंगे हम यहाँ खुद रोमांस करने आए हैं खुद तो नहीं साथ में है जी ये मदर फकर होली बीच मदर फकर I'm speechless. इस तरह का चीज़ यहाँ पे देखिए ये लोग मतलब एकदम पब्लिक में कर रहे हैं जी है साला सब बड़ा ही संवेदनशील मामला है यहाँ पे उससे भी ज़्यादा है इस तरह का चीज़ यहाँ पे कर रहा है लेकिन ये सब लीगल है नहीं तो इनके हम बहुत मार मारते एक ही चीज़ कहेंगे कि भाई जो कभी भी जो दो मिसाइल है उसके टकराने से विनाश ही हुआ है आज तक है कोई भी ठीक नहीं है पर मुंडा कहाँ हुआ जी क्या कर रहे हैं तुम I like what you're doing. I want to join them. I want to be part of them actually. इन्हीं के साथ रहेगा तो एक्चुअली लाइक व्हाट यू आर डूइंग वहां पे कह रहा था वो लड़की हमारा है तीन इन्हीं के साथ गड़ मरा हुआ करेगा तो आई वांट टू जॉइन देम हियर एक्चुअली बिकॉज़ दे हैव एन इश्यूज देयर फॉर अ गर्लफ्रेंड आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ तो इन्हीं के साथ करेगा कुछ ही वेरी अच्छा यार आई वांट टू जॉइन समझ रहे कड़वा तेल चाहिए तुमको तो जाओ उधर कैमरा धरो साला शीला जीत लेके साला पगलाल है मेरा कैमरामैन भी बेंचो पगला गया है कौन इसको शीला जीत पिला रहा है साला वहां कह रहा है कि उस लड़की के साथ जाएंगे यहां कह रहा है कि इन्हीं के साथ गड़ मरोगे करेंगे तीन को बहुत ही सेंसिटिव मामला है दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा छोड़ो झाड़ी में भी जाने का प्लान था लेकिन वो प्लान कैंसिल कर दिया गया है नहीं करेगा उधर भी बैठा ले साला सब मतलब कहाँ है अब नॉर्मल आदमी भी बैठा देख के भी वही लग रहा है मेरा दिमाग खराब हो गया आई एम आउट ऑफ माय माइंड फक दिस बंद करते हैं आप लोग देखते रहे धाका न्यूज अगली बार मिलते हैं बहुत ही गड़बड़ रिपोर्ट के साथ तो बोले थे ना वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो बताना कि आपको हमारा वीडियो जो उसमें था वो कैसा लगा और हमारे चैनल को क्लिक करके आप हमारा वो वीडियो भी देख सकते हैं जो कि है और हमारे ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो सभी यूट्यूबर्स के रिएक्शन वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा शेयर भी जरूर करिएगा।